आम आदमी पार्टी फाजिलका द्वारा अज फाजिलका दे डीसी दफ्तर दे सामने पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार खिलाफ रोस प्रदर्शन किया गया अते केंद्र सरकार दा पुतला फूकया गया। इस मौके जिला फाजिलका विच समूह आम आदमी पार्टी दे वर्कर हलका इंचार्ज समरबीर सिंह सिद्धू, पार्षद पूजा लुथरा, प्रधान भजन लाल, नरिंदर पाल सिंह सवना, अतुल नागपाल, डॉक्टर हरजीत शहरी, मास्टर सुनील जी सचदेवा समेत कई आम आदमी पार्टी के कारकुन ते वर्कर पुजे अते केंद्र सरकार खिलाफ जम के भड़ास कढ़ी। इस मौके केंद्र सरकार का पुतला फूकया गया ते होर की कुछ कहा गया, ये सब कुछ जानने लिए साडे नाल बने रहो अते साडी पूरी कवरेज दे। 15 किलोमीटर तक पहला BSF के अधीन आउंदा सी, पर हुण पंजाब अते केंद्र सरकार ने रल मिल के ये एरिया 50 किलोमीटर तक करता है। हुण अपने फाजिलका तो लैके मलोड़ तक जिहड़ा एरिया है BSF के अंडर है। हुण जो भी कोई कार्रवाई करनी है BSF आपकी मर्जी नाल कर सकती है, पंजाब पुलिस का विच कोई लेना देना नहीं होगा। साढ़े तो पहला ही किसान इतने जो 15 किलोमीटर के एरिए आते हैं बहुत परेशान होंगे ने, जो भी कोई गतिविधि कोई पड़ोसी देखता इन्हों बहुत परेशानी का सामना करना पैंता है, क्योंकि मैं समझदा BSF एक एड्डी ताकतवर अपने देश की पावर है, एड्डी ताकतवर सेना है, इन्हों दे उत्थे बॉर्डर से तो एक चिड़ी नहीं फड़क सकती। अज आप जो मेन मुद्दा है भी जी पंजाब पंजाब तुगलकी फरमान जोड़ा है, पहला भी BJP सरकार ने जोड़े है सेंटर सरकार दिए ने, पहला उन्होंने जो GST का फिर नोटबंदी का फिर जो काले कानून लेके आए हैं, हूँ जोड़े है ये जरा अपने पंजाब जी BSF के अंडर जोड़ा है 15 किलोमीटर का दायरा बढ़ा के 50 किलोमीटर करता, ये 50,000 जरा अपने वर्ग किलोमीटर जोड़ा है उनका दायरा जोड़ा है बढ़ा के 25,000 जोड़ा है किलोमीटर तक करता। ये बहुत ही जोड़ा है सानू कोई मंदभाग्य है, ये नहीं है भी सानू कोई BSF के कोई शक है कोई जोड़ा है, पर जोड़ा है ये एक वो नीति नहीं हैगी भी गुरु राष्ट्र वास्ते नीति हैगी, एक सिर्फ पॉलिटिक्स की जा रही हैगी पंजाब वास्ते। ताकि यह कारण है जी, देखो जी अज का ये रोस प्रदर्शन जोड़ा असी जोड़ा BSF का घेरा बधाया गया उनके खिलाफ है, वह 15 किलोमीटर तो बधा के 50 किलोमीटर करता गया। साडे पंजाब के लोग खास तौर पर बार्डर पट्टी के लोग तो अगे ही बहुत ज़्यादा दुखी ने, क्योंकि उन्होंने BSF के बार्डर के तारा होने करके बड़िया ही खेतीबाड़ी बड़िया मुश्किल आदि ने। तो जी BJP सरकार है एक पास तो यह कहती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम से राजनीति ना की जाए, दूजे पास जी है ये आप ही जी है जी BSF नूं सियासी हथियार के रूप में वरत रही है, ये जेडे राज्यां ते आदा कब्जा करना चाहती है, जिहड़ा साडा जिहड़ा फैडरल सिस्टम है उन्हूं तहस नहस करके सारे राज्यां नूं भिखमंगा बनाना चाहती है। तो ये इहदा बड़ा ही गलत तरीका है जिहड़े चन्नी साहब ने साडे इन्होंने जाके सहमति दित्ती 5 अक्टूबर नूं, क्योंकि ये भी रौला पाते हैं कि जिहड़ा बार्डर तों तस्करी हो रही है और BJP तो मौका चाहती सी कि कोई सानूं मौका मिले इस तरह की कार्रवाई करन दा। तो इस करके असीं अज आम आदमी पार्टी तरफों SC का बड़ा विरोध करते हैं। पिछले दिन ही BJP ने तुगलकी फरमान सुनाते BSF की ज्यूरिसडिक्शन 15 किलोमीटर तो बढ़ा के 50 किलोमीटर की है, जिस दे नाल लगभग पंजाब के अद्धे खेत्रफल दे विच BJP नू असीमित शक्ति BSF नू असीमित शक्तियाँ मिल चुकी हैं, वो किसी के भी घर वड़ के तलाशी लै सकते हैं, किसी की भी पुछगिछ कर सकते हैं। सो इस तुगलकी फरमान के खिलाफ असी अज फाजिलका विखे DC दफ्तर सामने रोस मुजहरा किया। सर BSF करके आप सिक्योर बैठे हाँ तो इन्हों के अंदर आने वाला अपन सिक्योरिटी कितना हो सकती है? देखो जी BSF सिक्योरिटी अपन दी बॉर्डर पर ऑलरेडी 15 किलोमीटर उन्होंने ताकत दे चुके हैं, आप साडे कोले इत्थे एडमिनिस्ट्रेशन है पंजाब पुलिस है जो कि पूरी सक्षम है साडी हिफाजत दे विच, BSF का काम है बाहरी ताकतों ने सानू बचाउणा। सो असी इहदे नाल नाल कल्ली BSF दी ताकत नहीं, यह साडे स्टेट के अधिकारां ते भी ताकत। BJP सरकार जिंदाबाद, BJP सरकार जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, चरणजीत चन्नी जिंदाबाद।
बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। हाकी होया अमित शाह होया, 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 हाकी होया बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कांग्रेस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। हाकी होया अमित होया, हाकी होया अमित होया, हाकी होया अमित होया, हाकी होया अमित होया। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद जय भारत।